इधर इधर देखो है, ये बात सही है, पर उन्होंने हमें जाति सूत्र से गालियां निकाली। ये बंद नहीं करेंगे, चाहे वे कुछ भी कर। आपके हिसाब से बात करिए, हम आपको एक एप्लीकेशन दे रहे हैं, धक्का दे रहे हैं, उसके ऊपर कार्रवाई करो। जाति सूत्र से गालियां दिए उसके ऊपर पर्चा दर्ज करो, उसको इमीडिएट गिरफ्तार करो। अगर आप नहीं करते हो तो फिर अगला स्टेप हम हमें एक मिनट, हम आपसे एक बात कह रहे हैं कि आप बाजार हो, हम अगला स्टेप कोई भी क्या करेंगे, इस बात को हम भूलने नहीं देंगे, छोड़ेंगे नहीं, चाहे वे कुछ भी करना पड़े, चाहे कभी आए क्या करे क्या नहीं करे। ये डिप्टी एक मिनट, ये डिप्टी नहीं आपका काम है, आप उसके खिलाफ पर्चा दर्ज करो। इधर इधर देखो, सस्ता है, ये बात सही है, पर उन्होंने हमें जाति सूत्र से गालियां निकाली, रास्ता रोका। और पेश की हुई बाजार के अंदर जो एक मान्य आदमी है शहर का, और जो आज मैंने 5-6 बार विधायक भी ले लिया, मंत्री भी ले लिया, 5 बार एमएलए ले नेक्स्ट में ना, ये बंद नहीं करेंगे, चाहे वे कुछ भी करें। आपके हिसाब से बात करिए, ऐसा है, हम आपको एक एप्लीकेशन दे रहे हैं, धक्का दे रहे हैं, उसके ऊपर कार्रवाई करो। जाति सूत्र से गालियां दिए उसके ऊपर पर्चा दर्ज करो, उसको इमीडिएट गिरफ्तार करो। अगर आप नहीं करते हो तो फिर अगला स्टेप हम हमारे पाएंगे। हमें एक मिनट, हम आपसे एक बात कह रहे हैं कि आप बाजार हो, हम अगला स्टेप कोई भी क्या करेंगे, इस बात को हम भूलने नहीं देंगे, छोड़ेंगे नहीं, चाहे वे कुछ भी करना पड़े, चाहे कभी आए क्या करे क्या नहीं करे। ये डिप्टी एक मिनट, ये डिप्टी नहीं आपका काम है, आप उसके खिलाफ पर्चा दर्ज करो। डीएसपी को एक ज्ञापन देने के लिए आए हैं, इलाहाबाद के सारे लोकल, इलाहाबाद के वर्कर और बाहर के भी हैं, सारे के सारे डीएसपी को मेमोरेंडम दिया है, और उनसे हमने ये आग्रह भी किया है कि रविंदर लड्डा जिसने मुझे और हमारे साथ जो लोग थे उन सबको जाति सूत्र गालियाँ दी, मेरी गाड़ी रोकने की कोशिश की, मुझे किडनैप करने की कोशिश की, और उसने वर्कर्स रविंदर लड्डा ने लोगों को कहा कि इस ढेर की जात जो है ना टांगे तोड़ दो, इसको रोक लो, इसको बैन कर दो, जान से माँ बहन की गालियाँ दी, और मैं बात जाति सूत्र गालियाँ दे करके, और ये मेरा नहीं, ये इलाहाबाद करके का अपमान होगा। मुद्दा ये तो मैं कहूँ आपको कि आपने भी देखा होगा सभी बूथों के ऊपर जो गत्ता सा लगा रखा था वो आगे मशीन जो आगे रख रखी थी सारी जगह, और हमारा जो निशान ऐनक का था वो नज़र नहीं आ रहा था। दौड़पाड़िया गांव में 3 बार एक और वापिस आई कि मुझे ऐनक का निशान नहीं नज़र आ रहा, और इसी बूथ के ऊपर भी मैं आ पाया, सभी बूथों पे गया हूँ मैं, एक जगह नहीं सारी बूथों पे, और वहाँ आकर के इस रविंदर लड्डा का भाई था तो मेरे घर पर आ मुझे खुशियाँ दी, और मैंने उसे कहा कि आराम से बोलो,
तो मैं आपको मुफ्ती बन बनाने वाले, मैं कहूँगा मैं अभय सिंह चौटाला का इलेक्शन एजेंट हूँ और इलेक्शन एजेंट होने के नाते मैं अंदर आ सकता हूँ। क्या बोल अभय सिंह चौटाला? तो वो कहने लगा मेरा कौन होता है अभय सिंह चौटाला? ये वो मतलब उसने बदतमीजी, क्योंकि वो चुनाव वहाँ उन्होंने मशीन को इस ढंग से रख रखा था आगे कि वो हमारा एन ए का निशान दिखाई ना दे, और इसके ऊपर मैंने ऑब्जेक्शन किया था और ऑब्जेक्शन के बाद उन्होंने गाली गलौज किया और उसके बाद मैं वहाँ से खैर प्रेजेंटिंग अफसर ने मुझे कहा कि जी आप झगड़ा नहीं, आप जो है ना जाओ, कोई बात नहीं, हम इन मशीन को ठीक कर देंगे। मैं वहाँ से इमीडिएट बाहर चला गया, लड़कियों का जो कॉलेज वो बूथ होना हुआ था, हमारे लड़के वहाँ बैठे थे, वो पर्चियाँ काट रहे थे, वहाँ जा कर के हम बैठ गए। वहाँ तकरीबन आधा घंटा मैं वहाँ बैठा रहा हमारे वर्करों के साथ में, मीटिंग होती रही। और उसके बाद में ये रविंदर लड्डा 5-7 गाड़ियाँ जिसमें बदमाश भरे हुए थे, क्रिमिनल किस्म के लोग थे, उनमें गाड़ियों के अंदर हथियार थे, और उन्होंने आकर के बूथ के ऊपर हमारे सभी वर्कर वहाँ थे, और वहाँ आकर के उसने गाड़ियाँ दी और रास्ता रोका और मुझे बाहर निकालने की कोशिश की। मैं मेरी जान और उन्होंने कहा कि इसको जान से मार दो बहन को, मैं मेरी जान बचा करके वहाँ से गाड़ी से भाग निकला, मुझे बाहर निकालने की मेरी गाड़ी रोकी। अब आप क्या चाहते हैं जी? अब मैं चाहता हूँ कि उसके भाई के खिलाफ, उसके 3-4 गुंडे और साथ थे, 500 की संख्या वो लोग थे, रविंद्र लड्डा के खिलाफ, उसके भाई के खिलाफ, और जो लोग 50-60 और नाम दिए हैं कंप्लेंट में, उन सब के बाद उनके ऊपर कार्रवाई हो, उनको गिरफ्तार किया जाए। अगर सरकार कार्रवाई नहीं करती है तो हम अगला स्टेप क्या उठाएंगे, ये हमारा काम है कि हम क्या उठाएंगे, पर इस मामले को हम ढील में नहीं छोड़ेंगे, चाहे हमें कहीं भी जाना पड़े, कुछ भी करना पड़े, चाहे दिल्ली जाएं, चंडीगढ़ जाएं, चाहे मरण पर्त रखे, चाहे कुछ भी रखे, चाहे बाजार बंद हो, चाहे कुछ हो। आज हम तो आपसे कहते हैं कि आप पत्रकार हो, अब बाजार में पूछ के देखो कि मेरा 40 साल का राजनीतिक करियर है, मैंने कभी आज तक किसी आदमी के सामने कोई बात नहीं की, और बाजार के लोग इस बात के गवाह हैं सारे के सारे कि भागीराम जैसा। अब वो क्या कहते हैं, मशीन उठा के भाग रहा था। अरे मैं 25 साल है मेरे रहूँ, मिनिस्टर रहूँ, मैं मुझे पता नहीं कि मशीन उठा के भाग रहा क्या, कितना जुर्म है, कैसे भाग सकता हूँ मैं? हरेक मशीन से क्या होता है? अभय सिंह जीत रहा है, उनके दिमाग में जो बाहर के गुंडे हुए थे, उन गुंडा ने उनका दिमाग खराब कर रखा था कि पवन बनीवाल जीत गया और हम ये कर देंगे वो कर देंगे। आजा बार बार वो कैप्टन को बुलाओ, कैप्टन साहब को बुलाओ, वो क्या हुआ कैप्टन साहब, कौन है कैप्टन बोला? आपको उम्मीद है कितने समय में कार्रवाई कर सकती है? मैं हमने तो यूँ कहा कि इमीडिएट आज ही अभी पर्चा दर्ज करो उनके खिलाफ और उनको आज ही गिरफ्तार करो, अगर नहीं करते हैं तो फिर अगला स्टेप हम क्या करेंगे, ये अगला हमारा काम होगा।